नमस्कार, आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं के बाद गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। यही नहीं, गंगा में बाढ़ के लगातार तेजी से बढ़ने के कारण वाराणसी के राजघाट से लेकर 80 घाट तक गंगा के घाट डूब चुके हैं। यही नहीं, काशी के प्राचीन दशाश्वमेध घाट सहित अहिल्याबाई घाट की कई प्राचीन भगवान की मूर्तियां भी गंगा के जल में समाधि ले चुकी हैं। लगातार हो रहे इस जल वृद्धि के कारण जहां इन मंदिरों में होने वाले दैनिक आरती और पूजन और श्रद्धालुओं के दर्शन करने का क्रम बंद हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ यदि यही हालत रही तो जल्द ही घाटों का संपर्क भी आपस में टूट जाएगा। गंगा की गोद में समा चुके मंदिरों का यह नज़ारा धर्म और आध्यात्मिक शहर काशी का है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश और बांधों के खोले जाने के बाद बनारस में भी गंगा में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसका प्रमाण है कि गंगा में तैर रही जलकुंभी जो तालाबों और पोखरों से निकलकर गंगा में आ चुकी है। यही नहीं, बाढ़ के कारण काशी के गंगा किनारे जहां 84 घाट मौजूद हैं, वहां के नज़ारे ऐसे ही देखने को मिल रहे, जहां गंगा के किनारे मौजूद भगवान की मूर्तियां और प्राचीन मंदिर पूरी तरीके से गंगा में समाधि ले चुके हैं। काशी के इस घाटों के किनारे रहने वाले पुजारी और पंडों की माने तो ऐसे हालात हर साल बाढ़ के वक्त देखने को मिलते हैं, और जब गंगा के पानी में मंदिर डूब जाते हैं तो वहां होने वाली दैनिक आरती और पूजन भी बंद हो जाता है। यही नहीं, इस बाढ़ के कारण सौ जलाने वालों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि इसी तेजी से गंगा के पानी में बढ़ान जारी रहा तो जल्द ही सभी घाटों का आपस में संपर्क टूट जाएगा। तो रोज पूजा करते हैं, पानी बढ़ जाने की वजह से वो दूसरी जगह जाकर के पूजा करते हैं, पानी बढ़ने से उनको दिक्कत होती है। देखा जा रहा आपके बगल में तो मंदिर है थोड़ा सा, जी पानी में डूब गया पूरा, जबकि पानी कम रहता है तो अंदर तक, हाँ अंदर तक दिखाई देता है, उसमें पूजन अर्चन होता है, अब नहीं हो रहा है, उसमें पानी बढ़ जाने की वजह से तो उससे दिक्कत होती है पब्लिक को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्भय द्विवेदी है। निर्भय जी, बताइए घाट के किनारे जो मंदिर है वो पानी में डूब गए, ऐसा क्यों हो गया है कि पानी में डूब गए मंदिर? ये तो हर साल होता है, बाढ़ आती है और काशी के सभी घाट किनारे के सभी मंदिर पानी में डूब जाते हैं, और उसके बाद जब पानी नीचे जाता है फिर दैनिक पूजन शुरू हो जाते हैं।